हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरिजीत। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है ओशिया हर्बल्स रेडियंस डी टेन फेस वॉश। यहाँ पे मेंशन है इट्स पैराबिन एंड सोप फ्री फेस वॉश। और यहाँ पे ग्रीन एप्पल एंड बेसिल एक्सट्रैक्ट्स, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट्स, ये सब इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया। इसका प्राइस जो है 285, 120 ग्राम का ट्यूब में आप लोगों को ये मिल जाएगा। और ये जो फेस वॉश है जिसका बहुत ही ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद स्किन एकदम ड्राइनेस फील नहीं होता स्किन में, और बहुत ही सॉफ्ट सा फील होता है। और जो स्किन में जो डालनेस का एक प्रॉब्लम होता है, टैन का जो प्रॉब्लम होता है, वो एकदम इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है। तो ये फेस वॉश यूज़ करने से पहले आप लोगों को पहले थोड़ा अपने चेहरे में पानी देना है, फिर उसके बाद। और ये फेस वॉश जो है बहुत ही मतलब कम लगता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये फेस वॉश का जो कंसिस्टेंसी है बहुत रानी भी नहीं है और थिक भी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट इसका कलर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है ये, आप लोग देख रहे हो। और बहुत ही कम लगता है, पूरा फेस और नेक पोर्शन आप लोगों को कवर हो जाएगा। और ये फेस वॉश का जो स्मेल है इट्स वेरी वेरी माइल्ड एंड वेरी स्वीट स्मेल। ये नेक पोर्शन में भी आप लोगों को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे भी टैन का प्रॉब्लम होता है, ड्राइनेस का, डालनेस का प्रॉब्लम रहता है। और ये जो फेस वॉश है आप लोगों को स्किन में 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे रब करना है, उसके बाद प्लेन वाटर से इसको धो लेना है। इसको धोने के बाद ही आप लोगों को तुरंत मालूम पड़ेगा कि स्किन में कितना सॉफ्टनेस आ गया, और टैन जो है, टैन का जो प्रॉब्लम जो रहता है वो इंस्टेंट रिमूव हो जाएगा। पहले एक्चुअली ये मेरा जो ड्राई स्किन है तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि फेस वॉश यूज़ करने के बाद क्या होगा, बट टीवी में जोईता मैम का जो प्रोग्राम देखा उसके बाद ये फेस वॉश मैं ले आया। तो सच में यूज़ करने के बाद देखा कि स्किन में कोई भी ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो जिसका बहुत ही ड्राई स्किन है आप लोग एकदम आँख बंद करके ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी ड्राइनेस का फीलिंग्स आप लोगों को नहीं आएगा। आप लोग देख रहे हो स्किन कितना ब्राइट लग रहा है इंस्टेंटली। तो ये फेस वॉश यूज करने के बाद आप लोग चाहो तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, बट उतना भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्किन को एकदम ही ड्राई नहीं करता। आप लोग देख रहे हो स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल फीलिंग होगा आप लोगों को। रिकमेंड करूंगा ये फेस वॉश आप लोग यूज करो, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव फेस वॉश। और ये था आज का मेरा रिव्यू। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर।